हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी गुलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मूवी थी हॉलीवुड में जिसका नाम था स्पाइडरमैन। उसमें जो गुंडा होता है लगड़ बग्घे की तरह चार पैर से चलता है, उल्लू की तरह चश्मा लगा के, और फिर क्या होता है, स्पाइडरमैन आता है लास्ट में उसको चाँप देता है। वो क्यों ऐसा करता है, इसके पीछे रीजन जो होता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सन बना रहा होता है। उस आर्टिफिशियल सन से दुनिया को खतरा होने लगता है और जिसकी वजह से स्पाइडरमैन उसको रगड़ देता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं रगड़ेंगे। मतलब ये जो है, इससे रियल में दुनिया की हेल्प होगी या पूरी दुनिया में। मैं बता दूँ कि जो करंट है या जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो पावर की जो एनर्जी की कमी है वो पूरी होगी। तो आज हम जानेंगे जो आर्टिफिशियल सन है वो क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये किस तरीके से काम करता है। मैं आपको आज ही इतनी बड़ी चीज़ बताऊँगा किस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि इस चीज़ को अभी तक कोई नहीं बताया है। तो ये चीज़ आप जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है आर्टिफिशियल सन से। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल सन क्या होता है। आर्टिफिशियल सन इसका नाम रखा क्यों गया, देखिए जो सूरज होता है वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन मिलते हैं, उनसे क्या बनता है, हीलियम, और उसके मिलने में क्या होता है, बहुत सारे एनर्जी पैदा होती है। ये बात कब पता चली, ये बात पता चली 1920 में आर्थर एडिंगटन को। और ये जब बात चर्चा में आई, क्योंकि वैज्ञानिक उस समय ये सोच रहे थे कि आखिर सूरज पे इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे बनती है, तो जब ये बात चर्चा में आती है तो जो रदरफोर्ड होते हैं पहली बार वो क्या करते हैं कि दो हाइड्रोजन के लेते हैं। वो हाइड्रोजन का नाम क्या है, दोनों अलग अलग हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर जब वो उनको मिलाते हैं तो देखते हैं कि हीलियम से क्या हो रही है, कि मतलब ये हीलियम बन रहा है और उसमें एनर्जी भी पैदा हो रही है। उस वक्त ये भी चीज़ चर्चा में रहती है, अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी E=mc². तो इस चर्चा के थ्रू वैज्ञानिक ये भी जानते हैं कि अगर हम इस धरती पे अगर हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो दो हाइड्रोजन को अगर हम मिला दें इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी। आपने एक चीज़ देखा होगा जो कोरिया है, ठीक है, वो जो मोटा सा है मुझे जो है भैंस की तरह, उसने क्या किया, हाइड्रोजन बम बनाया। तो हाइड्रोजन बम भी इसी चीज़ पे काम करता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन मिलते हैं। और चीज़ों में क्या होता है, बम बनाने के लिए चीज़ों को तोड़ा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बम में चीज़ों को जोड़ा जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि अगर इसको हम कंट्रोल कर लें, इस एनर्जी को कंट्रोल कर लें, तो पूरी दुनिया को हम इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो इसके तहत आपने देखा होगा कि जर्मनी है, चाइना है, बहुत सारे देश इससे काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि फिर कुछ टाइम पहले ये पाया भी गया कि इस पे जो एनर्जी, जो टेम्परेचर पाया गया है वो कितना है, जो सूरज है उससे 10 गुना ज़्यादा, कितना, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतनी इसकी टेम्परेचर है। तो आइए, ये तो हमने बात की कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये कैसे काम, फ्यूजन ये कैसे काम करता है, मतलब इसके बारे में हमने इतिहास के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। देखिए होता क्या है कि अब जैसा कि ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये चैम्बर है पूरा, इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है। इधर होता क्या है कि जो हाइड्रोजन होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर देने के बाद वो क्या होता है कि उनमें क्या होता है, वो फ्यूजन प्रक्रिया होती है और हमको क्या मिलता है, हीट मिलता है। लेकिन तो आप बोलेंगे, अच्छा इतना टेम्परेचर मिल रहा है तो काहे नहीं हम हर जगह इसको फैला दें, इलेक्ट्रिसिटी को मिले, तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये सोचने की बात है। इसको ऐसा समझिए कि आप एक बिजनेस करते हैं, आपने उसमें 10 रुपये लगाए तो आपको 20 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 रुपये की जो ऊर्जा खर्चा कर रहे हैं ऊर्जा पैदा करने के लिए, और जो हमको मिल रहा है वो तो हमको 8 रुपये का मिल रहा है, तो ये काफ़ी महंगा है। अभी ये प्रोसेस क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है, इस वजह से इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि 2033 से लेकर 35 तक इसको क्या होगा, पूरी दुनिया में क्या होगा लाया जाएगा और हर जगह इसका एप्लीकेशन यूज हो सकेगा। तो ये तो हमने जाना कि कैसे आया, कैसे काम करता है। अब आइए जानते हैं इसके छोटे से प्रोसेस पे, ठीक है, जो साइंस के नहीं भी है वो भी इसको देखें, उनको मज़ा भी आएगा। तो देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे काम करता है, फिर आगे चलेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। बहुत टफ नहीं होगा, वो भी बहुत आसान है, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। समझाने से पहले देखिए, कोई चीज़ समझने के लिए आपको क्या होता है, आपको माइंड फ्री होना पड़ता है, मतलब मेंटली आपको एकदम फ्री होना पड़ता है, स्ट्रेस फ्री होना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ करना है, अगर आपको लाइफ में कुछ भी काम करना है, कुछ क्रिएटिव काम करना है, तो आपको क्या होगा, स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट या लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, डर में रहते हैं और वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो लाइफ में बिजनेस करें वो आगे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बिजनेस में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ये चीज़ देखते हुए, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों को क्या लगता था कि हमारी और भी प्रॉब्लम थी, सबसे मेन प्रॉब्लम थी, रूट प्रॉब्लम थी, वो क्या था, स्ट्रेस था।
इसी को देखते हुए हमने क्या लाया है, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स लाया है जो जिसपे हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया है, लगभग 6 महीने इसमें सिद्धांत सर ने लगाए हैं, अपना टाइम दिया है डेली 1 घंटे 2 घंटे, फिर ये कोर्स तैयार हुआ है। और ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको लाइफ में आगे जाने के लिए, तो प्लीज़ इसको अवेल करें, 25% हमारा डिस्काउंट है। देखिए अब अभी तक तो हमने जाना था कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, कैसे काम करता है, जर्मनी ने इसको बनाया, और आपने भी ये भी जानता कि लगभग उसमें 20 अरब यूरो का खर्चा भी उसमें आया है, इतना ज़्यादा खर्चा आया है, 2-4% इधर भी आ जाता तो काम हो जाता, खैर वो तो बात की बात है। देखिए सन्प क्या होता है, सन्प क्या होता है कि वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, क्या होता है हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जैसा देखेंगे जो हाइड्रोजन होता है उसमें क्या होता है, ठीक है न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन सूंसू करके घूमता रहता है, लेकिन इसमें हीट इतनी ज़्यादा होती है कि दोनों में क्या होता है टकराव हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है फिर ये क्या होता है, ये बेचारा ये जो छोटा सा न्यूक्लियस होता है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये क्या घूमते रहते हैं नल्ले की तरह, इनको अब कोई क्या चाहिए, जैसे समझिए कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब ये कुंवारे हैं नल्ले की तरह घूम रहे हैं, फिर इधर भी एक रहता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है ड्यूटेरियम है, ठीक है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसके पास क्या एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या है फ्रेंड जोन है, मतलब इन दोनों के पीछे पड़ा है, भाई हमको भी ले लो ग्रुप में, लेकिन ये फ्रेंड जोन है, ये बोल रही है कि बाबू तुमको लेंगे लेकिन अभी नहीं बाद में, ठीक है क्योंकि इसको बेवकूफ़ बना रही है, हाँ बाबू अच्छे हो लेकिन बाद में तुमको लेंगे, फिर क्या होता है ये दोनों क्या होता है टहलते रहते हैं, इनमें दोनों मुलाकात हो जाती है, और जब दोनों में मुलाकात हो जाती है तो दोनों तब दूसरे से मिलते दोनों पसंद कर लेते हैं, इसको क्या होता है लात मार के भगा देते हैं, बोलते हैं यार तुम जाओ हम दोनों को साथ में रहने दो, फिर जब ये मिलते हैं देखिए इसको लात मार के भगा दिया गया है, यहाँ पे क्या बन जाता है दोनों मिलके क्या बनाते हैं हीलियम, इस हीलियम जब बनता है तो यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा देखिए एनर्जी क्या होती है पैदा होती है, ऐसे समझिए कि जैसे एक कमरा है उसमें ढेर सारे लोगों को अड़सा दें तो अड़सने की वजह से क्या होता है घर्षण होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है दोनों क्या हो रहा है अड़स जा रहे हैं, अड़सने की वजह से क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है न्यूट्रॉन को फ्रेंड जोन कर दिया गया है लात मार के भगा दिया गया है, हमेशा यही होता है हम लोग पीछे पड़े रहते हैं लेकिन टाइम बाद पता चलता है कि कहीं और हो गया सेटिंग और लात मार के भगा दिया गया, सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है, तो भैया ये है फ्रेंड जोन ये है हीलियम और ये है एनर्जी, यही एनर्जी क्या काम करती है न्यूक्लियर फ्यूजन का काम करती है, यही इसी से हमको क्या मिलती है एनर्जी मिलती है, ये तो हमने जान लिया चलिए एनर्जी मिल गई हमको ऊर्जा मिल गई, लेकिन अब इसको इलेक्ट्रिसिटी में बदले कैसे, हमको तो ये मिल गई इसको इलेक्ट्रिसिटी में बदले कैसे, तो इसको बदलने के लिए देखिए क्या होता है आगे चलते हैं। देखिए अब ये आप समझ के आप दिमाग थोड़ा सा खराब होगा, अरे ये क्या है इसको छोड़िए आप, ठीक है इसको आप छोड़ दीजिए। देखिए होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा डीसी मोटर के बारे में, इसमें क्या होता है प्लेट होता है, ये घूमता है तो क्या होता है करंट पैदा करता है, मतलब ये इसके चारों तरफ क्या है इस प्लेट के चारों तरफ क्या है मैग्नेट है, सेम चीज क्या है यहां पे देखिए आप इसके चारों तरफ क्या है ये मैग्नेट है, यहां पे क्या हो रहा है प्लाज्मा पैदा हो रहा है, प्लाज्मा क्या है वही हीलियम, जैसे जो एनर्जी पैदा होती है आयंस होते हैं वो क्या है प्लाज्मा है, तो इसमें क्या हीट इतनी जो पैदा हो रही है ये प्लाज्मा इसके चारों तरफ है, और जब ये मैग्नेट के बीच से गुजरेंगे मतलब जूं जूं करके जब गुजरेंगे जैसे वो प्लेट घूम रहा था मैग्नेट के बीच में, जब ये गुजरते हैं तो ये क्या क्या पैदा करते हैं करंट पैदा करते हैं, और उन करंट को क्या करते हैं हम सप्लाई कर देते हैं, और उससे क्या मिलता है हमको करंट मिल जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, फिर यही बात आती है कि जैसा करंट तो मिल रहा है लेकिन फिर यूज क्यों नहीं किया जा रहा है, एक बात समझिए जो इसको एक जो इस पर लेजर फोकस किया जाता है जो इसको एनर्जी पहले से दी जाती है उसका खर्चा इतना ज़्यादा आ जाता है कि इससे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, और जो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता वो मार्केट में अप्लाई नहीं हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि 2033 से लेकर 2035 तक इसको हम एप्लीकेबल बना देंगे दुनिया के लिए, और एक टाइम ऐसा आएगा पूरी दुनिया को फ्री में एनर्जी मिल सकेगी। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था, इसको कमेंट करें लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि अपने दोस्तों को और सबको इस बारे में नॉलेज मिले और मज़ा भी आए, ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।